देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पे चेंज हुआ है कि इन दिनों में नॉर्मली हर जगह पे बारिश हट जाती है, अभी बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, मोटर व्लॉगिंग शुरू की जाती है। यहाँ पे वांगतू डैम बना हुआ है बहुत बड़ा, एंजॉय करते हैं ब्यूटी को, नेचर ब्यूटी को। मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हुआ था जिस वजह से ट्रैफिक रोका था पुलिस वालों ने। अभी हम लोग स्पीति वैली से निकल आए हैं पर एडवेंचर जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। लो जी फंस गए रोड ब्लॉक में। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। ये देखिए सुबह सुबह का क्या नज़ारा है। रात बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई है। लास्ट भी आपने मेरे कुछ व्लॉग पहले ही व्लॉग देखा होगा कल्पा का, जहाँ से हमने अपनी काजा के लिए राइड स्टार्ट की थी। अभी का माहौल देखिए और तब का माहौल कंपेयर कीजिए। देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे चेंज हुआ है, ड्रामेटिक चेंज हुआ है बिल्कुल। अब इतना ज़बरदस्त यहाँ पे, उस टाइम पे कोई ज़्यादा स्नो नहीं थी, जो रोड में थोड़ी बहुत स्नो थी, यही सुनने में आ रहा था कि 10-15 दिन में पिघल जाएगी। लेकिन रात जो स्नोफॉल हुई है दोबारा, उसके बाद क्या हाल हुआ है, इस टाइम पे पूरे का पूरा एरिया पूरी तरह से स्नो का कवर्ड हो चुका है। ये नीचे खेत हैं, खेतों में भी देखिए अमेजिंग व्यू है यार, अमेजिंग एक नंबर व्यू है। मज़ा आ गया सही में देख के कि इन दिनों में नॉर्मली हर जगह पे बारिश हट जाती है, एकदम सनी वेदर होता है। अप्रैल का टाइम चल रहा है यार, वो भी अप्रैल, आज अप्रैल 21 है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग शुरू होगा ये देखो कल्पा से। ये देखो यहाँ का वेदर चेक करो, बारिश अभी कंटिन्यूस हो रही है और ये फोटोग्राफी का पूरा मजा लिया जा रहा है। यहाँ पे वेदर अभी थोड़ी देर पहले ठीक था, अभी बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। मुझे तो राइड करनी है तो अभी निकलूंगा पूरा गेयरअप होके। ये लोग सब गाड़ी में जाने वाले हैं तो इन लोग को कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे को टेंशन है भैया, मेरे को तो गाड़ी में नहीं जाना, बाइक पे जाना है। यस यस यस। नाश्ता वगैरह हो गया? नाश्ता हो गया है। चलो ठीक है। हाँ ये देखो ठंडी लग जाए, फैशन नहीं जाना चाहिए। तीन दिन से पराठा और पोहे ही खा रहे हैं हम लोग नाश्ते में। होप सो शिमला में कुछ अलग मिले हमको। अब अपना गेयरअप होते हैं और गेयरअप होके चू मंत्र होते हैं यहाँ से। मुझे तो अभी ठंड लगनी शुरू हो गई यार राइड का सोच सोच के, क्योंकि बारिश है और आपको पता है मेरे वाइजर में प्रॉब्लम है, तो मुझे तो वाइजर खोल के ही अपना राइड करनी पड़ेगी। तो चलिए जो भी है सो है, अब निकलते हैं और मैं कोशिश करता हूँ आपको बाइक पे मिलूंगा। कोई प्रॉमिस नहीं है क्योंकि बारिश है ना, उस वजह से हो सकता मैं मोटो व्लॉग ना कर पाऊँ। कैमरे का आपको पता है, कैमरा भीग गया तो बॉस बहुत रफड़ा हो जाएगा, इसलिए कैमरा मैं नहीं लगाऊंगा। अभी जहाँ बारिश रुकेगी फिर मैं आपको वहाँ से अपना मोटो व्लॉग शुरू कराऊंगा। तो चलिए निकलते हैं। आज का हमारा टारगेट जो है वो है शिमला। यहाँ से 224 किलोमीटर है और करीबन करीबन 7 से 8 घंटे का टाइम बता रहा है गूगल। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि बारिश है तो हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लगे। तो देखते हैं जैसा भी होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ साथ साथ में। चलिए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने देखा कि थोड़ा सा वेदर साफ़ हो गया है, अभी यहाँ पे धूप ही अच्छी अच्छी निकल आई है, तो मैंने कहा चलो मोटर व्लॉगिंग शुरू की जाती है। सुबह से जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने मोटर व्लॉग किया नहीं था, क्योंकि पूरे रास्ते बारिश थी। ऊपर कल्पा में तो भैया स्नोफॉल हो रही थी बहुत बड़ी ज़बरदस्त। नीचे उतरे अपना जब रिकांगपियो में, तो वहाँ पे बुरी हालत थी बारिश की। अभी मैं रिकांगपियो से 40 किलोमीटर आगे आ गया हूँ शिमला की तरफ। ये जगह का नाम है वांगतू। यहाँ पे वांगतू डैम बना हुआ है बहुत बड़ा। अभी मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, तो जैसे ही मुझे थोड़ा वेदर साफ नज़र आया मैंने कहा चलो मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आप भाइयों को अभी ये थोड़ी है कि खाली गुड मॉर्निंग विश दिखा दी और उसके बाद गुड नाइट दिखा दिया। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं किन्नौर रोड पे। ये किन्नौर टू शिमला जो रोड जाता है उस रोड पर हैं हम लोग। ये रोड के नज़ारे तो हमने पहले भी दिए थे, अभी फिर देते हैं। नज़ारों का क्या, नज़ारे तो जितनी बार ले लो उतनी बार कम होते हैं। मज़ा आ रहा है, मौसम एकदम खुल गया ना तो अच्छा लग रहा है। अभी तो ये देखो बारिश होके हटी है ना, तो ये जो पेड़ पौधे हमने जाते हुए देखे थे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी इन पर, अब एकदम लश ग्रीन हुए हुए हैं। क्या ज़बरदस्त व्यू है इनका। आज का हमारा स्टे जो है वो शिमला में है, तो देखते हैं अगर टाइम से पहुँच गए तो थोड़ा लोकली शिमला को एक्सप्लोर करेंगे अलग दोबारा से। अब नए भाई लोग साथ में हैं, नए साथी साथ लोग साथ में हैं, तो इनको थोड़ा सा घुमाना तो बनता है अगर ये टाइम से मेरे साथ मिल जाते हैं। अब जो आपने मेरे व्लॉग्स में, जो पिछले 3-4 व्लॉग्स में हमारे साथ फैमिली देखी आपने, एक वो लोग अहमदाबाद से हैं, उनको बहुत क्यूरियोसिटी है जगह जगह घूमने की। तो प्लान तो हमने यही किया था कि चलो ठीक है शिमला मिलेंगे, तो शिमला में
थोड़ा सा उनको घुमा दिया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी शर्मा जी की गाड़ी ठीक नहीं हुई, तो वो शर्मा जी के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे ही शर्मा जी की गाड़ी ठीक हो जाएगी वो लोग शिमला पहुँचेंगे। अगर तो टाइम से आ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। अभी उस टेंशन को छोड़ते हैं और मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं ब्यूटी को, नेचर ब्यूटी को। तो ये देखिए, ये यहाँ से बंदर रोड, हमारे जो गुज्जू है ना वो भी पक्का यहीं पे अपना गाड़ी लगा के खड़े होंगे और पक्का फोटोग्राफी करे होंगे, इसमें श्योर है। लो भी दोस्तों, अभी हमने गाड़ी यहाँ रोक दी है, बाइक मतलब, क्योंकि पीछे आपने देखा पुलिस वालों ने आगे जाने नहीं दिया। तो चलिए अब रुकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं। रोड पे कुछ यहाँ पे काम चल रहा था, मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हुआ था जिस वजह से ट्रैफिक रोका था पुलिस वालों ने। एक डेढ़ घंटे से हम लोग करीबन खड़े रहे हैं यहाँ पे, तो अभी उन्होंने ट्रैफिक चालू किया है, तो बाइक होने का थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है कि सबसे आगे था तो निकल लिया। अभी देखते हैं आगे क्या दिक्कत थी जो इतना ट्रैफिक रोका हुआ था पीछे। अब यार ये रोड ऐसे है ना, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया होगा कि जरा सी बारिश हुई है, जरा सी क्या, बारिश तो खैर काफ़ी हुई है, पर यहाँ पे नॉर्मली यही होता है कि जरा सी बारिश हुई तो पूरा रोड भर पत्थर से भर जाता है। अभी हम किन्नौर गेट है मेरे ख्याल से, वहाँ पहुँचने वाले हैं। लो जी, ये आ गया किन्नौर गेट। बाय बाय किन्नौर गेट, हमने बाय बाय कर दी। अब आगे देखते हैं, गाड़ियाँ रोकने का रीज़न अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा। अभी भी गाड़ियाँ मेरे को आती कोई दिख नहीं रही इतनी खास, हो सकता प्रॉब्लम आगे हो चल के। अभी अभी हम लोग स्पीति वैली से निकल आए हैं, पर एडवेंचर जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। ये देखो ये वाटर क्रॉसिंग आ गई यहाँ पे। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं रामपुर। रामपुर से करीबन 5-6 किलोमीटर पहले अभी ये रोड सारा लैंडस्लाइड में ख़त्म हो गया था, तो अभी ये दोबारा बनाया गया। और ये देखो अभी पूरा ऑफ रोड है यहाँ पे, अभी टाइम लगेगा इसको बनने में। अभी तो रामपुर के आगे, रामपुर क्रॉस करने के बाद अभी एक जगह और आएगी जो कि कम्प्लीटली ऑफ रोड है। मुझे अभी सोच सोच के यही टेंशन हो रही है, क्योंकि जब हम आए थे तो उस टाइम पे उसमें स्लश थी, और अभी तो बारिश होके हटी तो पता नहीं क्या हालत हुई होगी। तो देखते हैं अभी चल के कि कैसा मिलता अपने को वो रोड, वो पैच जो है। अब ये देखिए यार, यहाँ पे ना अभी वेदर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। तो जैसे आपने देखा था तो सुबह में जब कल्पा से चला था तो भाई वहाँ पे तो स्नोफॉल हो रही थी और रास्ते में बारिश भी काफ़ी मिली, तो वेदर ठंडा था। अब ये है कि अब यहाँ पे वेदर जो है ना हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है, और ज़रा सा पीछे स्लो हुआ हूँ अंदर, वार्मर वगैरह जो पहने हुए हैं तो उसकी वजह से गर्मी लगनी शुरू हो गई। पर अभी निकालूंगा नहीं यार, क्योंकि ऊपर ना वेदर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है क्लाउडी है, वो देखो आगे आपको नज़र आएगा। तो टेंशन यही है कि दोबारा फिर बारिश वगैरह ना शुरू हो जाए। तो अभी मैंने खाली अपर का रेन लाइनर उतारा है, डोर का पहना हुआ है। हाँ यार ये व्यू देख के ना मज़ा आ जाता है। अभी वो आपको सामने रामपुर नज़र आ रहा है, वो देखो रामपुर पहुँचेंगे। रामपुर से फिर शिमला अराउंड है 130 किलोमीटर। देखते हैं कितना टाइम लगता है, अगर तो बारिश नहीं हुई फिर तो ज़्यादा 2.5 से 3 घंटे, अगर बारिश हुई फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। लो जी फंस गए रोड ब्लॉक में। वाह क्या प्यारी प्यारी। वैसे ये फोटो थंबनेल पे यूज़ हो सकती है कि ट्रैफिक जाम में फंसा। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं रामपुर। अभी पीछे एक पेट्रोल पंप निकला है, तो मुझे वो देख के याद आया कि मैंने अपनी पूरी ट्रिप में कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं किया पेट्रोल पंप का, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान था जाते हुए पेट्रोल पंप के लिए। शिमला से आगे तो आपको रामपुर तक तो कई पंप मिल जाएंगे,
कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन रामपुर से आगे आपको सिर्फ एक पंप या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो पंप मिलेंगे और पेट्रोल पंप रास्ते में ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो फ्यूल अपने हिसाब उस हिसाब से अपना लेके चलिए कि साथ में मत भले कैरी मत कीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि जहाँ पे आपको पंप दिखे रामपुर के बाद एक और रीफिल जरूर करवा लो, क्योंकि रामपुर के बाद एक पंप आएगा ऑन द वे, उसके बाद आपको जो पंप मिलेगा वो मिलेगा रिकांगपियों पे, उसके बाद काजा तक आपको एक पेट्रोल पंप और मिलेगा, वो है वांगतू पे, जो वांगतू डैम है वहाँ पे पेट्रोल पंप आपको मिलेगा, वो आप मान लो कि इस तरफ से जाने के लिए लास्ट पॉइंट पेट्रोल पंप होगा। उसके बाद आपको जो पेट्रोल पंप मिलेगा वो मिलेगा काजा में, रास्ते में कहीं भी आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसे इमरजेंसी आती है फ्यूल को लेके, तो आपको जो फ्यूल मिलेगा वो मिलेगा जाके ताबो में, और वो भी 130 रुपीज़ पर लीटर ब्लैक में मिला था। सो ध्यान रखो जब भी आप राइड करो काजा के लिए, तो फ्यूल सबसे इम्पोर्टेंट है आप, ताकि परेशान ना हो। तो बेटर यही रहेगा कि अपना फ्यूल जो है, जैसे ही आप रामपुर के बाद आपको वांगटू में पेट्रोल पंप दिखता है वहाँ पे एक बार टॉपअप जरूर कराओ, या अगर वो स्किप हो जाता है तो अपना रिकांगपियो में फ्यूल ज़रूर ले लो। उसके बाद आगे आपको कहीं फ्यूल नहीं मिलेगा, परेशान होते रहोगे, फ़ायदा कोई नहीं है। दोस्तों शक्ल देख के तो समझ गए होगे, वापस अभी मैं पहुंच चुका अपने होटल। करीबन 140 किलोमीटर रामपुर के बाद जो बारिश शुरू हुई है, शिमला पहुंचने तक पूरी तरह भीगा हूं। शुक्र है मालिक का कि रेन गियर अच्छे पहने हुए थे, तो इतना ज़्यादा बॉडी नहीं भीगी, लेकिन जो शूज़ हैं या हाथ हैं पूरी तरह भीग के हालत ख़राब कर दी उन्होंने। अभी थोड़ा बोलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है। ये देखिए आपको हल्का हल्का वाइट वाइट डॉट नज़र आ रहे होंगे, दोस्तों ये सारी स्नोफॉल है, ये शिमला में स्नोफॉल हुई हुई है। इस चीज़ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि किस टाइम वेदर का क्या हाल होगा। कुफरी क्रॉस करने के बाद स्नोफॉल मिलनी शुरू हो गई थी वापस, सारी की सारी स्नोफॉल पूरे रास्ते होती रही है। अब जाके थोड़ा सा बारिश रुकी है, मैं होटल पहुँचा हूँ, तो उसके बाद अपना ये हुआ, मैंने अभी ग्लव्स उतारे हैं, शूज़ उतारे हैं, जैकेट नहीं उतारी अभी, तो जैकेट मेरी बिल्कुल सूखी हुई है, तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी मुझे। ये भी उतारूँगा थोड़ी देर में। बाकी जो मेरे साथ में जो लोग हैं, जैसे शर्मा जी हैं या और लोग हैं, वो सब लोग अभी रास्ते में हैं, ऑन द वे हैं। शर्मा जी से अभी बात हुई है तो वो कह रहे हैं मैं अभी नारकंडा में हूँ, तो नारकंडा से उनको 2-2.5 घंटे अभी और लगेंगे यहाँ पहुँचने में, वो आते रहेंगे। हम तो पहुँच गए, थैंक गॉड, सेफ एंड साउंड पहुँच गए, इतनी बारिश में भी पहुँच गए, वो सबसे बड़ी बात है। कोई कहते हैं ना अंत भला तो भला, अभी वेदर भी कुछ ठीक है, बस सबसे बढ़िया यही चीज़ है। दोस्तों अभी प्रोग्राम ऐसा है कि हमारे कुछ साथी जो यहाँ पे आए होटल में, वो निकल गए बाहर, कह रही हमने तो बाहर जाके खाना, होटल में खाना नहीं खाना, और अपनी तो बैंड बजी हुई थी भैया, सीधी सी बात है, बारिश में राइड कर करके हालत ख़राब थी, अभी भी फुल ऑन जबरदस्त बारिश चल रही है। तो अभी मैंने क्या किया, मैं और मेरा एक भैया और बैठा हुआ है, हमने खाना मंगा लिया रूम में। ये देखिए अभी अपना डिनर चल रहा है ज़बरदस्त, ये पनीर और ये दाल, साथ में है चपातियाँ, और ये देखिए भाई ने मंगाया फ्राइड राइस। अभी खाना पीना चल रहा है ज़बरदस्त, खाना बहुत टेस्टी है, खाना खा के आपसे बाय बाय करेंगे। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, खाना सामने रख के वेट नहीं मैं कराता, खाना खा लूँ उसके बाद फिर मैं आपको बाहर का थोड़ा सीन दिखाऊंगा, अगर अंधेरे में जितना नज़र आ जाए आ जाए। अभी मैंने ऐसे आपको बोला था खाना खा के आपको दोबारा मिलता हूँ, तो हुआ अभी सिचुएशन क्या है, सब लोग चले गए हैं अपना बाहर खाना खुना खाने के लिए, अभी तक कोई भी वापस नहीं आया, और मुझे आ रही है बॉस बहुत ज़्यादा नींद क्योंकि मैं राइड करके थका हुआ। ये व्लॉग मैं अभी यहीं पर एंड कर रहा हूँ, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आगे देखिए क्या एडवेंचर आ रहा नया। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय।